नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके सामने लेकर आया हूं नई अपडेट विरोध अपडेट के साथ। और अभी ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही है, सोशल मीडिया की बातें करें, सब जगह सियासी गलियारों में एक ही बात चल रही है कि कल 19 तारीख यानी कि लास्ट दिन है नॉमिनेशन वापस लेने का। क्या कपूर नरवाल वापस लेंगे अपना नामांकन पत्र या फिर डटे रहेंगे आज़ाद और पंचायती उम्मीदवार के रूप में मैदान में? और बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं, अगर कल पंचायत हुई कथुरा में, उसमें ये बातें चल रही हैं और जो लोगों के साथ बातचीत की गई हमारी टीम के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, तो ऐसी बातें निकल कर आई कि उस पंचायत में जेजेपी और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने इस प्रकार से कपूर नरवाल का हौसला बढ़ाया कि कपूर नरवाल अपने आप को उत्साहित देखते हुए, जीत देखते हुए मैदान में डटे रहने का फैसला उनका लगातार बना रहा। और जब बड़ौदा में भी उनकी पंचायत हुई तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ आज़ाद उम्मीदवार के साथ साथ कुछ ऐसी पार्टी विशेष के उम्मीदवारों ने ये बातें कही कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप मैदान में डटे रहें। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कपूर नरवाल के मैदान में डटे रहने से, तो सीधा बीजेपी को फायदा हो रहा है। और यहाँ अगर कार्यकर्ता बीजेपी और जेजेपी की यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैदान में डटे रहें ताकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का उम्मीदवार आसानी से जीत सके दो नरवाल के लड़ने से, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के माने जा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से टिकट कटा, लेकिन कपूर नरवाल ने उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। बलराज गुंडू के साथ साथ उन्हें किसानों का प्यार मिला और किसान नेता के रूप में वो निकल कर आए। देखते हैं कि कपूर नरवाल अगर मैदान में डटे रहते हैं तो किसानों का कितना सपोर्ट मिल पाएगा, किस प्रकार से किसको फ़ायदा मिल पाएगा। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर कपूर नरवाल मैदान में रहते हैं तो। और ये ब्रेकिंग न्यूज अभी चल रही है, अफवाहें ऐसी चल रही हैं, अभी तक ना तो डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है, ना ही सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं कोई भी उनका ऐसे आधिकारिक रूप पर कोई भी बयान नहीं आया है सोशल मीडिया पर या कहीं भी। ये खाली अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कल तक का वेट कीजिएगा। सबसे पहले बड़ौदा की सबसे बड़ी अपडेट बड़ौदा अपडेट आपके सामने पेश करेगा। ऐसी ही नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।